दोस्तों ये एक्सीडेंट टाइम का एक्सरे है 1 जून 2023 का। इसमें हम देख सकते हैं फीमर बोन घुटने के पास से फ्रैक्चर है, फ्रैक्चर काफ़ी ख़राब था। और ये ऑपरेशन के बाद की एक्सरे है 4 जून 2023 का। और ये 19 अप्रैल 2024 का एक्सरे है। इसमें हम देख सकते हैं हड्डी बहुत बढ़िया जुड़ गई है और प्लेट इनका निकल चुका है। पेशेंट फुल रिकवर हो गया है 10.5 महीने में इतने बुरे फ्रैक्चर से। तो आज इन्हीं के केस के बारे में हम बात करेंगे, इन्हीं के केस को देखेंगे और पेशेंट से खुद जानेंगे, खुद पूछेंगे कि इतनी जल्दी रिकवरी कैसे हुई है, पेशेंट की डाइट पूछेंगे, सब कुछ देखेंगे। दोस्तों इनके केस पे हम लोग पार्ट 1 वीडियो इसी चैनल पे 5 अप्रैल 2024 को देख चुके हैं। उस टाइम अभी इनकी प्लेट निकली नहीं थी। आज इनके केस पे हम लोग पार्ट 2 देख रहे हैं। हाँ नमस्कार दोस्तों। दोस्तों ये जितेंद्र भाई हैं जो कि आगरा के रहने वाले हैं। इनका 1 जून 2023 को एक्सीडेंट हुआ था और 2 जून को ऑपरेशन हुआ था। अभी ऑपरेशन हुए इनका 1 साल भी नहीं हुआ है। फीमर बोन में घुटने के पास में फ्रैक्चर था, आप एक्सरे में देख सकते हैं कैसा फ्रैक्चर था। और अभी 10.5 महीना हुआ है और इनका प्लेट कब निकला है आपका? प्लेट 15 दिन हो गए। इनका 15 दिन पहले प्लेट निकल गया है और आज प्लेट निकलने के बाद आज इनका टाँका कट गया है और ये बढ़िया चल रहा है। मतलब 10.5 महीना हुआ है, इनकी पूरी रिकवरी हो गई है। टाँका कटा है तो आज अभी थोड़ी सी हल्की पट्टी लगी है, तो ये 3-4 दिन में पट्टी इनको खोल देना है, बाकी अब कोई दिक्कत नहीं रह गई है। ये इनका आज का एक्सरे है 19 अप्रैल 2024 का। तो इसमें हम देख सकते हैं कि हड्डी बहुत बढ़िया जुड़ गई है, कहीं किसी भी प्रकार का इसमें कोई कमी नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। तो जितेंद्र भाई, जैसे सामान्यतः लोगों की हड्डियाँ जुड़ने में इससे ज़्यादा समय लगता है, तो आपकी हड्डी इतना जल्दी जुड़ गया, आप कैसे जुड़ गया? खाने पीने में क्या आप खाते थे? खाना पीना देखिए, कैल्शियम का ही जो उसमें कैल्शियम ज़्यादा है वो ज़्यादा इस्तेमाल किया है। और बल्कि क्या है कि डॉक्टर साहब ने उस सेटिंग होती है ना हड्डी की, जिस तरह से उसे सेट किया था उस प्रकार से उसकी लाइन अप अच्छा हुआ, सीधी एकदम उन्होंने चेक करके अच्छे तरह से उस तरीके से बिल्कुल एकदम फिट थी। और वो थोड़ी सी भी डिफेक्ट होता उसमें या थोड़ी सी लाइन सेट की होती इतना जल्दी नहीं जुड़ पाते। खाना पीना तो वो नॉर्मल है जो सब का है अपना। अच्छा, कोई अलग से? हाँ, अलग से कुछ नहीं है ऐसा कुछ। तो खाने में जैसे आप शाकाहारी हैं, एक मांस खाते हैं? नहीं, शाकाहारी है। शाकाहारी पनीर, दूध, जूस वगैरह और अपना वही सब कुछ। तो दोस्तों आप देख सकते हैं ना कि हड्डी जुड़ने के लिए ज़रूरी नहीं है कि आप चिकन खाइए, अंडा खाइए, बहुत ज़रूरी नहीं है। जैसा कि अपने जितेंद्र भाई हैं, ये शाकाहारी हैं, ये फल, पनीर, दूध, दही ये सब खाए हैं और इनकी हड्डी बहुत बढ़िया जुड़ गई है। और चाचा आप कुछ बताना चाहेंगे इनके इलाज के बारे में? आपको लग रहा है कि अब आपका बच्चा पूरी तरह सही हो गया है? ठीक है चाचा, ठीक है, सही है। दोस्तों ये हम इनके प्लेट निकलने के पहले का चलने का वीडियो देख रहे हैं। तो इसमें हम देख सकते हैं कि ये बिल्कुल पूरी तरह से प्लेट निकलने के पहले रिकवर हो चुके थे। कुछ दिन पहले इनका प्लेट निकला है, आज टाँका कटा है। यह हम इनका प्लेट निकलने के बाद का चलने का वीडियो देख रहे हैं जो कि 19 अप्रैल 2024 का है। दोस्तों इनके सारे एक्सरे, एक्सीडेंट से लेकर अब तक के सारे एक्सरे हम डेट वाइज देख लें। और अगर इनके केस को हम संक्षेप में बात करें तो फीमर बोन घुटने के पास से फ्रैक्चर था, कोंडाइल अलग हो गए थे, ऑपरेशन के बाद प्लेट लगा था और 10 महीना में हड्डी इनकी बिल्कुल बढ़िया से जुड़ गई थी और ये सब कुछ करने लगे थे। ऑपरेशन के लगभग 10 महीने बाद इनका प्लेट निकाल दिया गया। प्लेट निकले लगभग इनका 15 दिन हो रहा है और ये बढ़िया से चल फिर रहे हैं, बिना सहारा चल रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है इनको।